वेलकम्स अगेन टू योर ऑन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल होम्स लर्निंग एरिना। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, हमारा क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर वन नोइंग अवर नंबर्स चल रहा होगा। आई होप कि अब तक जो मैंने करवाया वीडियो में वो आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आस्क मी इजिली, आई विल हेल्प यू। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चैप्टर वन का ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, दैट इज एस्टिमेशन। देर आर फाइव पार्ट्स इन दिस एस्टिमेशन। पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम अपनी 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि इसी से रिलेट करती है। सो व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन होता है फ्रेंड्स किसी चीज का एस्टिमेट लगाना, उसका अप्रोक्स काउंट करना। देर आर फाइव पार्ट्स, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो मेक कंसंट्रेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सर, फर्स्ट पार्ट इज एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 10 बाय राउंडिंग ऑफ। फ्रेंड्स, एस्टिमेशन करना है हमें नंबर्स का, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज नंबर्स इन दिस चैप्टर। सो एस्टिमेशन करना हमें टेंस नंबर में, नियरेस्ट टेंस, टेंस वैल्यू। इट मीन्स जो भी नंबर हमें दिया होगा उसके नियरेस्ट टेंस वैल्यू पे हमें उसका राउंडिंग ऑफ करना है, बाय राउंडिंग ऑफ मेथड से हमें उसका एस्टिमेशन लगाना है। सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, वन नंबर 28, और हमें इसका एस्टिमेशन करना है नियरेस्ट टेंस। अब नियरेस्ट टेंस जब हम इसका एस्टिमेशन करेंगे तो हमारे पास टेंस में टू डिजिट नंबर्स होते हैं। 28 किस किस के बीच में लाई करता है? दैट लाइज बिटवीन 20 एंड 30। बट 20 और 30 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच हमारे पास एक नंबर आता है, दैट इज 25। वो बीच बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में रहता है फ्रेंड्स। अगर आपका नंबर इस 25 से लेस देन है तो वी विल मूव टुवर्ड्स 20, एंड इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 25 देन वी विल मूव टुवर्ड्स 30। सो इस टाइप से हम उसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं। सो गिवन नंबर इज 28 जो है हमें गिवन नंबर है, एंड 28 इज नियर अबाउट 30 क्योंकि वो 25 से बड़ा है। सो जो इसका एस्टिमेशन होगा 28 का, दैट विल बी 30। सो दिस इज द एस्टिमेशन टू नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। आवर सेकेंड पार्ट इज एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। सो अब हमें नियरेस्ट 100 करना है बाय राउंडिंग ऑफ मेथड से। सो आई एम टेकिंग अ एग्जांपल, 375। सो फ्रेंड्स, बात हंड्रेड्स की हो रही है तो 375 जो हमारा नंबर है वो किन हंड्रेड्स के बीच में लाई करता है? दैट लाइज बिटवीन 300 एंड 400। एंड आपको पता होगा 300 एंड 400 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में 350 आता है। सो आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर नंबर लेकर आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हैं। सो 375 इज मोर देन 75। अगर इससे मोर होगा तो वो 400 की तरफ मूव करेगा, अगर इससे लेस होगा तो वो 300 की तरफ मूव करेगा। सो आवर एस्टिमेशन ऑफ 375 विल बी 400। दैट इज एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। आवर थर्ड पार्ट इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अब फ्रेंड्स, 1000 नंबर्स की बात हो रही है, वो नंबर जो कि थाउजेंड्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। सो आई एम टेकिंग एग्जांपल, 2395। सो 2395 इज लाइंग बिटवीन 2000 एंड 3000। थाउजेंड्स पे देख रहे हैं तो थाउजेंड के लिए हमें इनकी रेंज जो है वो भी थाउजेंड्स में लेनी होगी। सो 2000 एंड 3000 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में हमारे पास आता है 2500। अब अगर ये आपका नंबर 2500 से स्मॉल है तो ये 2000 की तरफ होगा इसका एस्टिमेशन, एंड अगर ये बड़ा है तो इसका एस्टिमेशन विल बी टुवर्ड्स 3000। सो ये आपका 2500 से छोटा है, सो इसका राउंडिंग ऑफ रहेगा 2000। दिस वॉज योर थर्ड पार्ट। The fourth part is estimate sum or difference. इसके लिए friends, like I'm taking you two numbers और मैं उनका sum कर रही हूं और उनका difference कर रही हूं. So what will we do with them? For that I'm taking an example. I'm taking a number 4738 plus minus 2354. Friends, I'm taking two number और two symbol देने का meaning है, once we will add them and second time we will subtract them. So the given number are 4738 and the second number is 2354. After estimation,
फ्रेंड 4738 जो है हमारा 4000 और 5000 के बीच में लाई करता है, एंड ये 4500 जो कि उन दोनों के बीच में है, 4000 और 5000 के एग्जैक्ट बीच में आपका 4500 आता है, तो ये नंबर जो हमारा इससे मोर देन है, तो ये 5000 की तरफ मूव करेगा, इसका एस्टिमेशन 5000 रहेगा। एंड द सेकंड नंबर, सिमिलरली सेकंड नंबर हमारा 2000 और 3000 के बीच में लाई करता है, और इनके बिल्कुल बीचों बीच 2500 होता है, तो ये इससे स्मॉलर है फ्रेंड, तो ये 2000 की तरफ मूव करेगा। वंस वी विल एड देम एंड सेकंड टाइम वी विल सब्ट्रैक्ट देम। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्टिमेट सम और डिफरेंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एस्टिमेट प्रोडक्ट। फॉर फिफ्थ पार्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, 68 × 193। After estimation, 68 is a tens number, two digit number है friends, तो इसका rounding of tens में ही होगा, 100 में तो हो नहीं सकता because this is a two digit number, अगर 3 digit होता तो हम इसको 100 में कर सकते थे estimate. So for 68 is lies between 60 और 70, ये 60 और 70 के बीच में lie करेगा, और इनके just center में 65 होता है, तो ये 65 से बड़ा है, तो ये 70 का estimation होगा। And then 193 फ्रेंड ये 3 डिजिट नंबर है, सो वी विल एस्टिमेट टू नियरेस्ट 100, ये आपका 100 और 200 के बीच में लाई करता है, एंड इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आपके पास 150 होता है, सो दिस इज मोर देन 150, सो दिस इज मोर देन 150, तो इसका नियरेस्ट होगा वो 200 हो जाएगा। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट द आंसर, दैट इज एस्टिमेशन प्रोडक्ट। Now we are moving towards the exercise 1.3 of chapter first. Friends, the first question you can see on the upper screen, estimate each of the following using general rule. It means the given question में आपको जो symbol दिखाई दे रहा है उसी के according आप given questions को solve करोगे. So the first part is 730 + 998. So we would have to estimate them. Friend, there is a given symbol addition. 730 अब हमारा 3 डिजिट का नंबर, इट मीन्स हम इसको 100 में राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, सो 730 जो है आपका वो 700 और 800 के बीच में मिड में आता है, एंड दैट इज मोर नियरेस्ट टू 700, और ये ज्यादातर 700 के नियरेस्ट है, 700 के पास है, नजदीक ज्यादा है, तो हम इसका एस्टिमेशन, इसका राउंडिंग ऑफ हम इसका राउंडिंग ऑफ 700 लेंगे। प्लस 998 जो कि 900 और 1000 के बीच में लाई करता है, एंड दैट इज मोर नियरेस्ट टू 1000, तो हम इसका एस्टिमेट 1000 लेंगे, सो इट्स आंसर इज 1700। नाउ सी द पार्ट नंबर डी, वी आर सॉल्विंग हियर टू पार्ट, रेस्ट पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ। द गिवन नंबर इज 28,292 - 21,496। सो फ्रेंड 28,000 ये हमारा नंबर जो 28,000 से स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21,000। 28,000 इट मीन्स ये आपका 28,000 और 29,000 के बीच में लाई करता होगा, एंड दैट इज मोर नियरेस्ट टू 28,000 बिकॉज 28,000 के जस्ट पर 200 आ रहा है, एंड 200 इज मोर नियरेस्ट टू 28,000, सो इसका राउंडिंग ऑफ हम 28,000 लेंगे। माइनस 21,000 आपका 21,000 और 22,000 के बीच में लाई करता है, एंड 21,000 के बाद 400 इट मीन्स ये 21,000 के ज्यादा पास है, तो इसका राउंडिंग ऑफ 21,000 रहेगा। नाउ देयर इज अ सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन, सो वी विल सब्ट्रैक्ट देम, वी गेट द आंसर 7,000। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। सो फ्रेंड्स नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। सो फ्रेंड्स द गिवन स्टेटमेंट के अंदर हमें एस्टिमेशन करना है, फर्स्टली राउंडिंग ऑफ करके नियरेस्ट 100 में, एंड सेकेंडली हमें उनका राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस में। सो सी आई विल डू टू पार्ट हियर, रेस्ट पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ। सो सी फ्रेंड्स, पार्ट ए इज गिवन 439 + 334 + 4317। सो फर्स्टली हम इसको राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स करते हैं। फॉर दैट आपको इसको 100 के नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करना होगा,
सो 439 आपका 400 एंड 500 के बीच में लाई करता है एंड मोर क्लोजर टू 400, तो इसका राउंडिंग ऑफ आपका 400 हो जाएगा. 334 आपका 300 एंड 400 के बीच में लाई करता है एंड नियरेस्ट टू 300, और ये 300 के ज्यादा करीब है तो इसका हम राउंडिंग ऑफ 300 लेंगे. ये नंबर आपका थाउजेंड्स में है लेकिन हमें राउंडिंग ऑफ करना है हंड्रेड्स में, तो हम इसके पीछे वाले पार्ट को राउंडिंग ऑफ करेंगे. 4 विल बी सेम एंड 317 आपका 300 एंड 400 के बीच में लाई करता है एंड मोर क्लोजर टू 300, सो दिस विल बी योर नंबर एंड आफ्टर एडिंग ऑल वी गेट द आंसर 5000. सेकेंडली हम इसको टेंस के नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करते हैं. फॉर दैट टेंस प्लेस पे के लिए हम टू डिजिट कैरी, टेंथ प्लेस के लिए हम टू डिजिट लेते होते हैं. सो 4 विल बी सेम, 39 आपका 30 एंड 40 के बीच में लाई करता है मोर क्लोजर टू 40, सो स्टार्टिंग का 4 सेम रहेगा एंड बैक साइड पे 40 रहेगा लास्ट में. 334, तो हम टेंथ के लिए हम लास्ट की टू डिजिट कैरी करेंगे, 3 विल बी सेम एंड 34 लाइज बिटवीन 30 एंड 40. 34 आपका 30 और 40 के बीच में लाई करता है एंड 30 के ज्यादा नियरेस्ट है ये, तो ये 330 रहेगा. इस नंबर में भी हमें टेंस पे राउंडिंग ऑफ करनी है तो हम लास्ट के टू डिजिट लेंगे सिर्फ, 43 विल बी सेम. 17 आपका 10 एंड 20 के बीच में लाई करता है और ये 20 के ज्यादा करीब है सो इट्स नंबर विल बी 4320 एंड देयर सम विल बी 5090. सो दिस इज अवर राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 एंड टेंस. आई एम डूइंग द डी पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन. द गिवन नंबर इज 489,348 - 48,365. फर्स्टली हम इसको 100 प्लेस पे राउंडिंग ऑफ करेंगे. फॉर दैट 100 प्लेस के लिए हम 3 डिजिट लेते होते हैं एंड से, सो द स्टार्टिंग नंबर 489,000 विल बी सेम. 348 आपका 300 एंड 400 के बीच में लाई करता है एंड इज मोर नियरेस्ट टू 300, तो ये 300 के ज्यादा नियरेस्ट होगा इसलिए हम इसका राउंडिंग ऑफ 300 लेंगे. इसके लिए हम 3 डिजिट लेंगे, 48 विल बी सेम. 365 आपका 300 एंड 400 के बीच में लाई करता है एंड इट मोर क्लोजर टू 400, सो इसका हम 400 लेंगे एंड द सब्ट्रैक्ट एंड द डिफरेंस विल बी 440,900. नाउ वी विल राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, तो टेंस के लिए हम इसके लास्ट टू डिजिट लेंगे सिर्फ, द रेस्ट पार्ट विल बी सेम. 48 लाइज बिटवीन 40 एंड 50 एंड इट मोर नियरेस्ट टू 50, तो हम 50 लेंगे. 48,300 तक सेम रहेगा. 65 लाइज बिटवीन 60 एंड 70, आप यहां पे 70 लोगे 60 नहीं लोगे एंड देयर डिफरेंस इज 440,980. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 इन द अपर स्क्रीन. एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल. फ्रेंड्स हमें एस्टिमेट करना है गिवन प्रोडक्ट्स को जनरल रूल फॉलो करके. सो आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट. सी हियर द गिवन नंबर इज 578 मल्टीप्लाई 161. Now, firstly, we will need rounding off. After that, we will find the product. 578. 3-digit number hai. Hundreds mein count hoga. 578 aapka 500 and 600 ke beech mein lie karta hai. And it more nearest to 600. So, hum iska rounding off 600 lenge. 161 aapka 100 and 200 ke beech mein lie karta hai. And it's more nearest to 200. सो हम इसका राउंडिंग ऑफ 200 लेंगे एंड द रिजल्टेंट इज 120,000. नाउ सी द लास्ट पार्ट ऑल्सो. डी पार्ट इज गिवन 9,250 मल्टीप्लाई 29. द गिवन नंबर इज इन 1000 प्लेस. ये आपका 1000 प्लेस में दिया तो इसको राउंडिंग भी हम 1000 में ही करेंगे. 9,250 जो कि 9,000 एंड 10,000 के बीच में लाई करता है फ्रेंड, इट्स मोर नियरेस्ट टू 9,000, सो हम इसका राउंडिंग ऑफ 9,000 लेंगे. एंड 29 लाइज बिटवीन 20 एंड 30 एंड इट्स मोर नियरेस्ट टू 30, सो इसका राउंडिंग ऑफ हम 30 लेंगे
एंड द प्रोडक्ट इज 2,70,000. That's all. And this is all about our exercise 1.3 of this chapter, first of class 6. I hope आपको मेरे all questions के solution अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे. फिर भी अगर कोई problem है, then please comment and tell me friends, ताकि मैं अपनी अगली आने वाली videos को और improve कर सकूं, आपके सामने और अच्छे से solutions रख सकूं. Till then, thank you. Have a nice day.